कोई गाड़ी आपको लेने के लिए बोलेगा, यही मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ। बस सर्विस के काफी टाइम बाद लाइक 900 किलोमीटर के जब हम गाड़ी लेने जाते हैं ना। ऑलराइट माय बॉयज, गुड मॉर्निंग। तो अभी अपन निकले हैं, 4 किलोमीटर रह गए हैं, फिर 2000 का आंकड़ा टच हो जाएगा। सो अपनी की ऐसी हैबिट हो गई, एक बार निकलने के पहले ना गाड़ी को एक बार 360 डिग्री देख ही लेता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, तो आज बात करते हैं हम लोग इस बारे में। एक तो हम करेंगे कि ये जो आपका मेन इंजन का जो इग्निशन का जो ये की है और देन ये जो स्विच है, इन दोनों को कैसे और कब यूज़ करना है। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी हम चलते चलते बात करते हैं, सो दूसरी बात तो गाइस ये कि यार 2000 सब्सक्राइबर टच हो गए हम लोग, तो थैंक यू सो मच। आई मीन इतना प्यार बोलूँ, सपोर्ट बोलूँ, क्या बोलूँ सबका मैं। 9th अक्टूबर को मैंने गाड़ी ली थी और मेरा प्लान था कि मैं पूरा शूट करूँ, कि मैं परचेज जो कर रहा हूँ। अरे यार, अरे 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 भाई मारेगा। तो जब मैंने 9th अक्टूबर को एक गाड़ी ली तो दिमाग में था मेरे कि मुझे शूट करना है, पूरा एक्सपीरियंस को कैप्चर करना है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट करना है कि मैंने गाड़ी जब ली तो क्या क्या फीलिंग थी मेरे अंदर, मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या चेक किया। बट पता है क्या होता है, जब हम गाड़ी लेने जाते हैं ना, स्पेशली जब हम अकेले डील करते हो ना किसी भी चीज़ में, शॉप में, बिजनेस, कहीं भी कुछ भी, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर मैं कैमरा पर ध्यान दूँ, जो मेरे लिए नया होता, फर्स्ट टाइम होता, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस आउट कर देता जो मेरे को बाद में नुकसान करती, या फिर मैं रिग्रेट करता कि भाई मैंने मिस आउट कर दिया, ध्यान देना चाहिए था। तो इक्विपमेंट्स, गैजेट्स मेरे पास पहले भी थे, बट मैंने 1st अक्टूबर से 9th अक्टूबर तक जो भी मेरा एक्चुअली मैं तो एक महीने से कोशिश कर रहा था, टेस्ट राइड और सब देख रहा था मैं, बट जब मैंने गाड़ी ये फाइनल करी तो मैं 1st से लेकर 9th तक मैंने पूरा रिसर्च वर्क किया, छोटी छोटी चीज़ें लाइक फाइनेंस, इंश्योरेंस, RTO, गाड़ी की PDI जो भी था, मतलब वो सब मैंने अराउंड 1st to 9th किया था। बट जब मैंने 9th अक्टूबर को गाड़ी ली और उसके आई थिंक 15-20 दिन बाद तक मैंने ना ही वीडियो के बारे में सोचा, ना ही व्लॉग के बारे में सोचा, ना ही मोटो व्लॉग के बारे में सोचा, और अराउंड 11 दिन बाद जब मेरा जो प्रॉब्लम हुआ ना शोरूम वालों के साथ हेलमेट का, तब तक मेरा दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। तो कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 20 दिन बाद 9 अक्टूबर को मैंने गाड़ी ली और 29 अक्टूबर को मेरा पहला वीडियो गया, और वो बहुत ही कैजुअल था। आप देख सकते हो मेरा पहला वीडियो, मैंने जहाँ पे अपने फर्स्ट सर्विस के काफ़ी टाइम बाद लाइक 900 किलोमीटर्स के बाद इसका टॉप स्पीड पे लेके गया, और कंफर्टेबल स्पीड, ज़्यादा मैंने पुश नहीं किया, मुझे बस थोड़ा सा रश था कि यार करना है, थोड़ा स्पीड पे लेके जाना है, क्योंकि मैंने 50-45 पे गाड़ी चलाई थी। तो वो मैंने टॉप स्पीड किया इसका, फिर मैंने 0 to 60 seconds किया, तो वो मेरा पहला वीडियो था। तो जो वो 29 नवंबर को जो मेरा पहला वीडियो था, वहाँ से पता नहीं मेरे को क्या किक हुआ, और तब से लेके अभी तक मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। इवन कुछ दिनों में तो मैंने दो दो वीडियोस भी डाले हैं। तो आप देखो 29 नवंबर और आज 26th December, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि महीना तो नहीं हुआ बट 26-27 डेज हो चुके हैं। सो 10-15 दिसंबर के बाद से मुझे इतना हैवी कह सकते हैं कि इस चैनल पे एक्टिविटी दिखने लग गई कि अभी मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो यही मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मेरे दिल के एकदम नीचे वाले फ्लोर से उन एक एक लोगों को थैंक यू जिन लोगों ने यू नो इतना प्यार दिखाया, सपोर्ट किया। बट उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि वो 100 सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने 100 कमेंट्स किए, उन लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं जितना भी तारीफ़ कर दूँ उतनी कम है, जितना भी आप लोगों के बारे में अच्छा बोल दूँ उतना कम है। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर दिस 2000 सब्सक्राइबर्स। ऐसे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली बताऊँ, ये नंबर्स वंबर्स सब
फालतू होता है। जो भी मैटर करता है वो आपका कह सकते हैं कम्युनिटी मैटर करती है, कि आप कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लोग बातें कर रहे हैं। बाकी नंबर्स का क्या है यार, ये सब ठीक है। तो बस जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, बातचीत करते रहा करिए, और मैं प्रॉमिस तो नहीं बट कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे डेली व्लॉग्स आते रहे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू सून। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सब लोग का यही मेन कंसर्न है कि मैं 160 अपाचे ले रहा हूँ तो मैं क्या NS में जाऊँ, 160 यामा FZ V3 में जाऊँ, तो मतलब यही दो तीन गाड़ियों में रहता है राइट। तो मैं आप लोग को पूछता हूँ कि अगर आप 350 चूज़ करते, मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ठीक है, हमेशा आप लोग मुझसे पूछते हो ना, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको कोई कहे कि अगर आप अभी राइट नाउ आपके पास कैश पड़ा है, इनफ कैश पड़ा है, और आपको कोई बोले कि सिर्फ गाड़ी ले सकते हो आप उससे, तो अगर 350cc में कोई गाड़ी आपको लेने के लिए बोलेगा तो आप कौन सी लोगे? चलो मैं आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देता हूँ, 400cc, 400cc की कैटेगरी के अंदर अगर आपको अभी कोई गाड़ी ख़रीदनी हो, जस्ट अभी निकालनी हो आपको शोरूम से, तो आप कौन सी निकालोगे? तो ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ, वीडियो को पॉज करो और अभी मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि वीडियो ख़त्म हो चुका है।